बग्गा ने मारा अरविंदर को थप्पड़, गद्दी को लेकर मचा घर में बवाल, आखिर कौन संभालेगा अब गद्दी को। टीवी सीरियल अजूनी के आने वाले सीन्स काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि गद्दी को लेकर घर में बहुत ही बुरी तरह से बवाल मच चुका है। हर कोई गद्दी की चाहत में है, और सबसे पहले तो अरविंदर जो है वो तो नए नए प्लान्स बनाते रहता है। लेकिन इसी सब के बीच अब मारा है बग्गा ने अरविंदर को थप्पड़ और कह दिया है कि गद्दी अब कोई भी नहीं संभालेगा, क्योंकि इसे अब मैं खुद संभालूंगा। विल बग्गा ने और क्या क्या कहा जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे, तो आइए नजर डालिए ऑन लोकेशन के इन झलकियों। जैसे कि आपने देखा ही कि ड्रामा चल रहा है, और पहले से मैं वही बोलता हूँ कि बेसिकली जो मुद्दा है वो है गद्दी का। तो अरविंदर उसके लालच में सारे काम कर रहा है, और राजवीर तो अच्छा है ही, तो ये सब बेसिकली एक ड्रामा है जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो सर, जैसे कि अब पूरी प्रॉपर्टी जैसे अरविंद चाहता है कि मुझे मिल जाए, तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो यह है कि उसका लालच है, वो उसकी पहले से एक हर एक इंसान की एक एम्बिशन होती है। उसकी एम्बिशन ये है कि मुझे गद्दी पर बैठना है, कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे गद्दी पर बैठना है और मैं ही सब कुछ। और उसको कहीं ना कहीं एक अपने छोटे भाई से जेलसी है कि उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। तो यहीं पर एक सारा ड्रामा उसी के बीच में रहता है, तो वही कैरेक्टर का एक स्केच भी है। और जैसे कि अरविंद और जो बाबू जी हैं, जो पिताजी का, तो उनका और अरविंद जी का कैसा क्या रिलेशन? उनका और अरविंदर जी का जी, हाँ, ये बहुत ही अभी कुछ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त आने वाली हैं आने वाले टाइम में। वो भी मैं पता नहीं, आई डोंट नो कि मैं डिस्क्लोज करूँ या नहीं करूँ, मुझे पता नहीं होता इन सब चीज़ों का। नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। पंकज जी जो प्ले कर रहे हैं वो उसमें कुछ एक ट्विस्ट आने वाला है, बहुत मज़ेदार, और बहुत मज़ेदार होगा वो। तो कुछ उस ट्विस्ट के बारे में आप कुछ छोटा मोटा जनता को जैसे? नहीं नहीं नहीं, वो बता नहीं सकता, वो छोटा से बताने से ही तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। वो एक ही लाइन पे ही गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैंने एक लाइन बोल दी ना, वो यही दिमाग में आ रही है, तो अगर मैंने वो बोल दी तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो सर, जैसे कि अब आप अपने फैंस के बारे में और अपने क्या बताना चाहेंगे? मैं फैंस को तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप ही लोग सबसे इम्पोर्टेंट हो। हम कोई भी आर्टिस्ट के लिए आप लोग देखते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो हमारी वैल्यू है। आप लोग नहीं करोगे तो वैल्यू नहीं है, सिंपल फंडा है। तो आप लोग इन्जॉय करते रहें, आप लोग देखते रहें, अप्रिशिएट करें, और बस यही बोलना चाहूँगा। अजनी, बाहर आओ, मैं भी आ गया। क्या हुआ अरविंदर? क्यों सुबह ने सिर पे उठा रखा है? अभी बता दूंगा, आने दो सबको। आपके लाडले राजवीर ने ऐसी करतूत की है ना। क्या हो गया अरविंदर, राजवीर ने किया क्या है? मम्मी जी, मैंने आपको पहले बोला था ना कि प्रॉपर्टी के पेपर इन दोनों में से किसी ने चुराए हैं, और इस बात का गवाह ये है। राजवीर ने पुराने पेपर निकाल के नए पेपर बनाने का काम इस वकील को दिया था। पूछो इससे। क्या बकवास कर रहे हैं वीर जी? हाँ, झूठे ये। अरे झूठे ये, इससे पूछो, ये बताएगा? बताओ। सच, ये सच। तो सच है कि राजवीर जी मेरे पास आज प्रॉपर्टी कौन लेते हैं? ये ना वकील साहब। अच्छा, रेडी थ्री शॉट तीनों का रशीद शुरू में है। वकील की आवाज सुनके जज कहना एक्शन साहब। क्या हो गया अरविंदर, आखिर राजवीर ने किया क्या है? तो जी, मैंने पहले ही आपको बोला था ना कि प्रॉपर्टी के पेपर इन दोनों में से किसने चुराए हैं, और इस बात का गवाह ये है। राजवीर ने पुराने पेपर निकाल के नए पेपर बनाने का काम इस वकील को दिया था। क्या बकवास कर रहे हैं जी आप? अरे झूठ है सब, ये झूठ है। मैं भी आप खुद इससे पूछो, ये झूठ है, बताओ आप सब। हाँ जी सर, राजवीर जी मेरे ऑफिस में आए थे, प्रॉपर्टी के पुराने कागजात नए करवा के इनके नाम पर करवा लेंगे। पीछे हट, पीछे।
तू भी दुनिया को क्या अपनी तरह लालची समझ रहा है, पैसे पे नाचने वाली? चोरी तो की, उसके बाद उसे डराने की, चोरी की तो की, उसके बाद उसे डरा भी रहा है। बस भी जी, मुझे अपने घर पे चोरी करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी के अभी इस घर से बिना कुछ लिए निकल सकता हूं, क्योंकि राजवीर सिंह बंगल खुद पे भरोसा है वो कैसे भी करके अपना और अपनी बोटी का पेट भर लेगा। लेकिन आपको बात समझ में नहीं आएगी, अरे जो इंसान अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं उठाता, जो सिर्फ बाप के पैसों पर अय्याशी करना जानता है, वही बात क्या समझेगा? वाह वाह, देखो कौन बोल रहा है, पैसे के लालच में प्रॉपर्टी हथियाने चला था तू, और मुझे बोल रहा है काम चोर है। चाबी कहां मिली ये बताओ, चाबी कहां मिली? चाबी अजूनी के बैग के नीचे, और वकील किसका नाम ले रहा है? राजवीर का। अब और क्या सबूत चाहिए, क्या सबूत चाहिए इन लोगों का साबित करने के लिए, इन लोगों की कतू साबित करने के लिए? क्यों राजवीर, क्या ये वकील घर पे आके झूठ क्यों बोलेगा? मैं भी झूठ रहता मैं बोल रहा हूँ ना, अजूनी ने चाबी ली है और ना ही मैंने पेपर सुनवाए। और कितना झूठ बोलोगे हैं? अब कोई बहाना नहीं चलने वाला तुम्हारा, कोई बहाना नहीं चलने वाला, झूठ बोलोगे हैं? तुम्हारे बहाने अब नहीं चलने वाले। इसने अपनी बोटी के साथ मिलके प्रॉपर्टी हथियाने का काम किया है और ये साबित हो गया है, और मैं गद्दी का मालिक होने के नाते इन्हें आदेश देता हूं कि ये अभी इस घर से बाहर चले जाए। नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जबकि मैंने कोई गलती की नहीं है तो उसकी सजा भी नहीं। वाह, कल कितना चौड़ा हो जाती है कि मैं घर से निकल जाता हूं और फैसला सुनने के बाद जा भी नहीं रहा। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? तो इन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी साजिश है, बहुत लालची है दोनों, इतना लालच भरा हुआ है ना इन दोनों के अंदर। पूरा करने की जान लेने की कोशिश कर सकता है वो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। पुरानी बातें लेकर आ गया, पुरानी बातें लेकर ही आपको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी गलतियों की माफी मांग ली थी ना, अरे इसने कुर्सी में बैठ के क्या किया, क्या किया इसने कुर्सी में बैठ के, सारे उल्टे काम किए इसने। हम सबकी मर्जी के खिलाफ जाके इसने पहले शिखा की मदद करी, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी डैडी जी की पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई हुई, ये पूरी जिंदगी डैडी जी इसने क्या किया, गद्दी पर बैठने के बाद एक भी काम घंटा नहीं गया, सारे उल्टे काम किए मैंने। पहले तो हम सबकी मर्जी के खिलाफ जाके इसने शिखा की मदद करी, और अब डैडी जी की पूरी जिंदगी की कमाई हुई है प्रॉपर्टी खुद अपने नाम करने चाहते हैं। भेजी देखो देखो मालिक को मारने चलाएंगे। वाह, आवाज आई, अरे भाई बाबूराम क्या चल रहा है? मैं बोल रहा था ना कि प्रॉपर्टी के पेपर्स इन दोनों ने चोरी किए, और उस बात का गवाह है ये वकील राजवीर, वो पुराने पेपर लेकर इस वकील के पास गया था अपने नाम पर प्रॉपर्टी कराने के लिए। निकल भाई, आप रोकने के लिए जाओ तो तक। अरे ओके सुन, ओके जा। क्या मेला लगा के रखा है घर के अंदर, क्या रहा है ले अगले बैल? रेड्डी जी मैं बोल रहा था ना कि प्रॉपर्टी के पेपर्स इन दोनों ने चुराए हैं, वो बात साबित हो गई है, और उस चीज का गवाह है जो वकील राजवीर, वो पुराने पेपर्स लेकर इस वकील के पास गया था अपने नाम पे कराने के लिए। इसके पास पेपर मेरे पास। भाई क्या तुझे वो पेपर कहाँ मिले?
कमीने के कमरे से और मस्त ये राजवीर को गद्दी से हटाने की स्कीम बना रहा है ताकि ये कौन बैठ सके उसके ऊपर। विलाजूनी में तो आए दिन नए नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। विलाजूनी में कौन है आपका फेवरेट, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीविजन से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे फर्स्ट इंडिया टेली। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।